हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गोलो एडिट। आज करने वाले हम लोग कुछ इस टाइप की अमेजिंग फोटो एडिटिंग। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की वीडियो। स्नैपशॉट ओपन करने के बाद हमें कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके हमें इमेज को ऐड कर लेना है और फिर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके तीन इमेज पर क्लिक करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ी फोटो पर की लाइट की एडजस्टमेंट कर लेंगे हम लोग। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने लाइट की एडजस्टमेंट अच्छे से कर ली है। तो फिर यहाँ से डन कर लेंगे। अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके स्क्रॉल अप करेंगे और डबल एक्सपोजर पे क्लिक कर लेंगे। ऐड इमेज पे क्लिक करके हम लोग बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे और ओपेसिटी वाला आइकन पे क्लिक करके ओपेसिटी को 100% करके हमें यहाँ से डन कर लेना है। और एडिट हिस्ट्री पे क्लिक करके व्यू एडिट पे क्लिक करना है। डबल एक्सपोजर पे क्लिक करके ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और फोटो को जूम कर लेंगे। डबल एक्सपोजर को 100% कर लेंगे और बैकग्राउंड में कुछ इस तरह से हम लोग ब्रश करेंगे। फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे हम लोग बॉडी वाले पार्ट पे नहीं करना है और अच्छे से बैकग्राउंड में ब्रश कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने अच्छे से बैकग्राउंड में ब्रश कर लिया। तो फिर यहाँ से हमें डन कर लेना है और बैक के लिए जाना है और अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके स्क्रॉल डाउन करेंगे और वाइट बैलेंस पे क्लिक कर लेंगे। और फ्रेंड्स, हम लोग टेम्परेचर को फोटो के हिसाब से -100% हम लोग को कर लेना है। फ्रेंड्स, अच्छे से 100% करने के बाद यहाँ से डन कर लेंगे और एडिट हिस्ट्री पर क्लिक करके व्यू एडिट पे क्लिक करेंगे। वाइट बैलेंस पे क्लिक करके ब्रश वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और फोटो को हम लोग जूम कर लेंगे और वाइट बैलेंस को 100% करके जींस पे हमें कुछ इस तरह से ब्रश करना है। फ्रेंड्स, अच्छे से कपड़ों पे हम लोग ब्रश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारे कपड़ों पर की कलर अच्छा लग रहा है। तो हमें फिर यहाँ से डन कर लेना है। बैक ले जाना है, अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके तीन इमेज पे क्लिक करेंगे और अब फिर से हम लोग फोटो की थोड़ी लाइट की एडजस्टमेंट कर लेंगे। और फिर हमें यहाँ से डन कर लेना है और अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके हमें वाइट बैलेंस पे क्लिक करना है और टेम्परेचर को फोटो के हिसाब से थोड़ा माइनस कर लेंगे। यहाँ से हम लोग डन कर लेंगे। अगेन पेंसिल वाला आइकन पे क्लिक करके स्क्रोल अप करेंगे और वेनिटी पे क्लिक करके आउटर ब्राइटनेस और इनर ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे जिससे कि फोटो हमारी देखने में अच्छी लगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो हमारी फोटो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो अभी हमें यहाँ से डन कर लेना है और आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। तो सेव वाला आइकन पे क्लिक करके हमें फोटो को सेव कर लेना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो